हेलो किसान भाइयों, मैं संदीप साहू आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। यह वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा कि सबसे ज़्यादा फसल बर्बाद करने वाला यह चौड़ा पत्ती वाला केनिया खेतों में पाए जाने वाले खरपतवार, यह बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है और सीमित समय में बहुत ज़्यादा ग्रोथ करके काफ़ी जगह में अपनी पकड़ बना लेता है। तो इसको किस प्रकार से रोक सकते हैं मैं बताऊंगा इस वीडियो में आपको। ये देखिए, यह है केनिया चौड़ी पत्ती वाला, ये देख सकते हैं आप। इस प्रकार से केनिया इस प्रकार का होता है, यह बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है। इसमें क्या डालेंगे आप कि आपका 4 दिन के भीतर ही यह जड़ से समाप्त हो जाएगा। देखते रहिए मेरा पूरा वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने एक फार्मूले का उपयोग किया था। इस फार्मूले से या केमिकल से काफ़ी हद तक यह केनिया इस प्रकार से कुमला गया। देखिए, आपको ले चलता हूँ उस ओर। यह देखिए किसान भाइयों, इसमें मैंने एक केमिकल का उपयोग किया था। यह इसके पहले आपने देखा कि वह किस प्रकार से ग्रोथ कर रहा था। अब इसको 2 दिन हो गए हैं मैंने इसमें केमिकल का उपयोग किया है, इसकी पूरी ग्रोथ रुक चुकी है, सूखने लगा है और यह 4 दिन के भीतर पूरा समाप्त हो जाएगा। ये देखिए आप, पूरा केनिया जैसे आप देख रहे थे कुमला गया है। यह हुई पार के किनारे का या फिर जहाँ पानी नहीं है वहाँ की बात। किसान भाइयों, आपने देखा, आप सोचेंगे कि यह पानी के अंदर या फिर बंधियों में समाप्त कैसे होगा। यह एक नंबर फार्मूला है। मैं आपको कोई भी कंपनी का प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से नहीं बता रहा हूँ। मैं आपको कंपनी नहीं बताऊँगा, मैं आपको सिर्फ फार्मूला बताऊँगा, कोई भी कंपनी का आप उपयोग कर सकते हैं। मान लो इतना पानी है, इतने पानी में भी काम करेगी यह दवा। देखिए, इतने पानी में भी, मैंने यहाँ भी उपयोग किया था इस दवा का, काफ़ी हद तक यहाँ पूरा छछला हुआ था केनिया, जैसा कि आपने देखा था। यहाँ सिर्फ केनिया ही ख़त्म हुआ है, बाकी जो अभी तो मैंने इसमें धान का रोपण नहीं किया हूँ, फिर भी यहाँ जो उगी हुई धान है, हार्वेस्टर से कटी हुई जो गिरी थी, वो धान दिखाई दे रही है आपको, लेकिन केनिया बिल्कुल भी समाप्त होने लगा है। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ कि कौन सा फार्मूला का उपयोग किया था मैंने। और यह दवा तो पानी में ही बहुत तेज़ी से काम करती है। यहाँ पानी भरा हुआ था, मैंने दवा का उपयोग किया था, इस प्रकार से सड़ने लगा है। ये देखिए, केनिया बहुत ज़्यादा मात्रा में था, इस प्रकार से पूरा समाप्त होने लगा है, मुरझाने लगा है एकदम। यहाँ मैंने केमिकल का उपयोग किया था, लास्ट में आपको मैं बताऊँगा केमिकल का कैसे उपयोग किया जाता है, कौन सा केमिकल है और क्या है। ये देखिए, केनिया है, ये पूरा पीला पड़ चुका है। ये पानी के अंदर फेंका था मैंने इस दवा को, पानी के अंदर भी काम करेगी और सूखे में भी काम करेगी। ये इस प्रकार से पूरी ग्रोथ रुक चुकी है और यह धीरे धीरे सड़ने लगा है और मर जाएगा, जड़ से ही समाप्त हो जाएगा। और ऊपर पानी में देख लिया आपने, आप देखिए सूखे में किस प्रकार से काम करता है। ये देखिए, सूखी जगह में भी कुमला चुका है पूरा केनिया। ये इस प्रकार से पीला पड़ने लगा, इनकी ग्रोथ रुक गई है और धीरे धीरे यह समाप्त हो जाएगा। ये देखिए, और आपको ले चलता हूँ एकदम केनिया के एकदम बहुत अति मात्रा में जो था, ज़्यादा संख्या में केनिया की संख्या थी, यहाँ इतना ज़्यादा केनिया था कि आप सोच भी नहीं सकते। इसके पहले जो मैंने दिखाया था वहाँ पे, पुराने वीडियो में भी आप देख सकते हैं, इस कोने में मैंने पहले के दवाई का उपयोग किया था और 2 दिन पहले अभी उपयोग किया हूँ इस कोने में। तो पहले 1 सप्ताह पहले का हाल, यहाँ केनिया जड़ से समाप्त हो चुका है, पानी के अंदर ही फेंका था। पर ये यहाँ भी मैंने 2 दिन पहले इस कोने में, ये जो कोना है इसमें 2 दिन पहले उपयोग किया है और इसमें 1 सप्ताह पहले, 1 सप्ताह पहले का भाग पूरा समाप्त हो चुका है। ये जो कोना दिख रहा है इसमें मैंने 1 हफ्ता पहले उपयोग किया था, तो यहाँ लगभग समाप्त हो चुका है। और यहाँ मैंने फेंका है अभी 2 दिन जस्ट पहले, देखिए 2 दिन पहले ये मर रहा है, इस प्रकार से कुमला गया, पीला पड़ने लगा है केनिया, जे इसकी ग्रोथ रुक गई है। देखिए आप, ये
आप सोचेंगे कि यह अभी तक मरा क्यों नहीं, 2 दिन ही मात्र हुए हैं। और आपको मैं आगे दिखा रहा हूँ जहाँ मैंने दवा का उपयोग नहीं किया था, यहाँ दवा का उपयोग किया हूँ इसलिए ये ऐसा है, और जहाँ दवा का उपयोग नहीं किया हूँ इस प्रकार से आपको हरा हरा खड़ा दिखेगा, यहाँ दवा का उपयोग नहीं किया गया है। और जस्ट इसके पीछे जे इधर दवा का उपयोग किया गया है, देख सकते हैं आप कितना अंतर है। ये मर रहा है धीरे धीरे, टाइम लगता है, 4 दिन में मर जाएगा, पर ये अभी ताज़ा है। तो चलिए आपको मैं उस फार्मूले के दर्शन करा देता हूँ जिस फार्मूले का उपयोग मैंने किया है, ले चलता हूँ आपको, और उसकी प्रोसेस भी दिखाता हूँ कि कैसा उपयोग कर सकते हैं आप आसानी से। चलिए यह देखो दोस्तों, इसमें फार्मूला मैं आपको बता दे रहा हूँ, सिर्फ आपको उपयोग करना है 2,4-D सोडियम सॉल्ट, आपको कहीं भी मिल जाएगा मार्केट में। आप सिर्फ इस प्रकार से देखना इसकी रासायनिक संरचना, इसमें लिखा होना चाहिए 2,4-D सोडियम सॉल्ट। यह सिर्फ चौड़ी पत्ती वाली जितना भी खरपतवार है उसको मारेगा और केनिया को मारेगा, सिर्फ इसी के लिए बनाया गया है। और इसको आप उपयोग कर सकते हैं धान में भी कर सकते हैं, अगर मान लो आप फसल में उपयोग करोगे फसल लगाने के 25 दिन बाद आप इसका उपयोग कर सकते हैं। मैंने हीरा सुपर नाम से लिया है मार्केट से 2,4-D सोडियम सॉल्ट, जी आप ले लीजिएगा, सिर्फ इससे चौड़ी पत्ती वाला केनिया ही मरेगा। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि सारा जो 2,4-D फार्मूला सोडियम सॉल्ट ले लीजिएगा, इससे काफ़ी हद तक चौड़ी पत्ती वाला कचरा मर जाएगा। अगर आप बारीक पत्ती वाला या पूरा कचरा मारना चाहते हैं तो अमोनियम सॉल्ट का उपयोग कीजिएगा। केमिकल कंपाउंड के नाम बता रहा हूँ आपको, कौन सी भी कंपनी से आप ले सकते हैं, सिर्फ केमिकल कंपाउंड देख लेना, उसकी रासायनिक संरचना मारना है। अगर पूरा कचरा मारना है तो अमोनियम सॉल्ट का उपयोग करेगा, लेकिन अमोनियम सॉल्ट में नुकसान भी है, आपकी जो अच्छी वैरायटी का कचरा जो खाद बनता है वो भी नष्ट कर देगा वो, इसलिए हो सके तो कम उपयोग करना उसका अमोनियम साल्ट का, क्योंकि अमोनियम साल्ट बहुत खतरनाक होता है, जड़ से उखाड़ देता है, ज़्यादातर लोग सपाचट के नाम से भी जानते हैं। और अगर आप धान की फसल में डाल रहे हैं तो सोडियम साल्ट ही डालना, 2,4-D सोडियम साल्ट। ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करें मेरे वीडियो को, थैंक यू। रिम झिम बरसे पानी रे, चलिए दोस्तों आपको मैं दिखाता हूँ कि केनिया नाशक जो 2,4-D फार्मूला है, 2,4-D फार्मूला का जो उपयोग किया है मैंने, 2,4-D फार्मूला सोडियम सॉल्ट का, इसको आप आसानी से कैसे उपयोग करें खेत में, उस प्रोसेस को मैं यहाँ दिखाऊंगा इस प्रकार से। तो मैंने सोडियम सॉल्ट ले लिया है, आप कोई भी ब्रांड ले सकते हैं, इस प्रकार से सोडियम साल्ट ले लिया, 2,4-D सोडियम साल्ट। तो नॉर्मली मैंने क्या किया, मेरे पास अभी पंप उपलब्ध नहीं था इसलिए मैंने रेत में मिला के फेंकना उचित समझा। तो आप रेत ले लीजिएगा एकदम सूखी महीन एकदम बारीक, यह रेत ले लीजिए और इसमें आप मिला दीजिए इस फार्मूले को, इसका नाम है 2,4-D सोडियम साल्ट। जे इस प्रकार से आप मिला लेंगे इसमें, यह आपको मिलेगा मार्केट में हीरा सुपर, आप देखेंगे हीरा सुपर के नाम से आधा किलो का पाउच मिलेगा आपको, यह मिल जाएगा 200 रुपये का। और इसको आप उपयोग करिएगा, इसको आप उपयोग करिएगा 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। ठीक है किसान भाइयों, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको कैसे उपयोग किया जाए, करिएगा आप। तो मैंने ले लिया है, अब इसको अच्छे से महीन बारीक कर लेंगे। आप मैंने हाथों का उपयोग किया, आप ग्लव्स जरूर पहनिएगा क्योंकि इसकी स्मेल बहुत तीक्ष्ण गंध होती है, आप डिटर्जेंट से भी धोएंगे तो आपको स्मेल आती रहेगी, दिक्कत होती है थोड़ी बहुत, हो सके तो आप ग्लव्स का उपयोग करिएगा। इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छे से,